हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। हीरो मोटर कॉर्प जो कि टू व्हीलर इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेटेस्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो पूरा इस वीडियो को देख लेना, स्किप मत करना। जैसे ही आपको पता चलेगा कहाँ पर वैकेंसी लगी है, किस तरह अप्लाई करना है, वो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। सो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपने गूगल खोलना है और गूगल के अंदर आपने टाइप कर देना है हीरो मोटर कॉर्प करियर्स। जैसे ही हीरो मोटर कॉर्प करियर्स लिख के आप सर्च करिएगा, तो हीरो मोटर कॉर्प का जो करियर्स का पेज है आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हीरो मोटर कॉर्प का जो कंपनी है, जॉब्स का पेज यहाँ पर खुल चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर आके राइट हैंड साइड में थ्री लाइंस आपको दिख रही हैं, इस लाइंस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये लाइंस दिख रही हैं, इसे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिर करियर्स लिखा जाएगा, इसको आपने करियर्स पर क्लिक करना है। जैसे करियर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च जॉब्स पर क्लिक कर देना। जैसे करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दिखेगी। PETM लाइन इंचार्ज, PETM लाइन इंचार्ज, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक एंड फ्रेम के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइन इंचार्ज की वैकेंसी है। तो लाइन इंचार्ज का जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू प्लानिंग मॉनिटरिंग MIS अपडेट्स, इससे रिलेटेड काम है। तो लाइन चार्ज की जो है अच्छी वैकेंसी है, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं जो है BE BTECH मैकेनिकल, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लाइन इंचार्ज या शिफ्ट सुपरवाइज़र, आपका एक्सपीरियंस है किसी असेंबली लाइन में या फिर एज अ क्वालिटी या एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर किसी भी मैकेनिकल कंपनी में है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऑटोमोटिव कंपनी का तो वो एक एडवांटेज आपको यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का बटन यहाँ पर दिया गया है नीचे। तो इसके अलावा भी आपको वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहे हैं। बैक कर देता हूँ और बैक करके आप देखेंगे और भी है, लाइन इंचार्ज की वैकेंसी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, गुड़गांव हरियाणा के लिए वैकेंसी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे आपको अलग अलग वैकेंसी दिखेगी। कैटेगरी लीड, टीम लीडर, लर्निंग एग्जीक्यूटिव। उसके बाद यहाँ पर आएंगे टेरिटरी सेल्स मैनेजर कैटेगरी लीड की। फिर है कैलिब्रेशन इंजन। ठीक है, ये है अभी की जो है लेटेस्ट वैकेंसी है कैलिब्रेशन इंजन, ये जयपुर के लिए वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर की। तो कैलिब्रेशन इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन वैकेंसी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 25 तारीख की वैकेंसी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जयपुर लोकेशन के लिए हीरो मोटर कॉर्प में। रोल रहेगा आपका एज अ कैलिब्रेशन इंजीनियर। यहाँ पर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर HD मोटरसाइकिल कैलिब्रेशन एक्टिविटीज एज पर अप्रूव्ड मॉडल स्ट्रेटजी विद फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंश्योर्ड डिलीवरीज विद इन CTQ पैरामीटर्स। ही विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कैलिब्रेशन स्ट्रेटजीज ऑन द रिलेवेंट प्रोजेक्ट। ही ऑल्सो इंश्योर्स करेक्ट डाटा जनरेशन एंड प्रिपेयर टेस्ट रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली जो है आपका डिसाइड नेक्स्ट कैलिब्रेशन स्टेप विद कोलेब्रेशन विद एक्सपर्ट कैलिब्रेशन इंजीनियर। ठीक है, तो कैलिब्रेशन के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, प्रोसेस में, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन R&D में आपका एक्सपीरियंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BE BTECH और MEM TECH मैकेनिकल वाले। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की ये वैकेंसी है, इसके लिए आपने अप्लाई यहाँ पर करना है। डिप्लोमा के लिए भी काफ़ी वैकेंसी, आप नीचे जाएंगे अभी पेज पर बैक करके, तो आपको काफ़ी वैकेंसी डिप्लोमा और BE BTECH दोनों की मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ किस तरह आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए कितना एक्सपीरियंस, अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का प्रोडक्शन या क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, प्रोसेस का एक्सपीरियंस है, R&D का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले कभी हीरो मोटर कॉर्प में अप्लाई किया, अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो फर्दर यहाँ पर पेज ओपन होगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ईमेल ID डाल के पासवर्ड डालना, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का। और यहाँ पर इन चीज़ों को अपर केस और लोअर केस को आप यहाँ पर चूज़ करना ज़रूर। ठीक है, जिसमें आपका अपर केस लेटर भी हो, लोअर भी हो और नंबर्स भी हो। तो यहाँ पर रीटाइप करना है उसी पासवर्ड को, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, और इस पर जो है आप एनी रिक्रूटर जो है वर्ल्ड वाइड पर आप कर सकते हैं। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टार लगा तो इस पर आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राइवेसी स्टेटमेंट को ओपन करके सब कर लेना, अकाउंट को क्रिएट कर देना। अकाउंट को जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद प्लीज साइन इन पे जाना। प्लीज साइन इन पे जैसे जाएंगे आप,
तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे अपनी डिटेल सारे फिल कर देना, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर हीरो मोटर कॉपी दिखाई है वो एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का या कोई मैनेजर लेवल की जॉब है तो अच्छा एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए, आप वो चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।